इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 दुर्भा, बुक दुर्भा, जिसमें हमें पढ़ना है 13वां पार्ट, 13 नंबर पार्ट, अन्याय के खिलाफ। तो ये आपको क्यूआर कोड जो दिख रहा है, आप इसे स्कैन करो और इस चैप्टर के प्रश्न और उत्तर आपको वहाँ पर बने बनाए मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए, लाइक सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया हो तो लाइक कर लो और बिना समय गंवाए अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। अन्याय के खिलाफ, किसके खिलाफ? अन्याय के खिलाफ, 13वां पाठ। बात सन 1922 की है, 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था, भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने के हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी और उनके नेता का नाम था श्रीराम राजू। क्या नाम था? श्रीराम राजू। किसके खिलाफ? अन्याय के खिलाफ इन्होंने लड़ा था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी साधी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे खाने पीने का सामान। पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के किनारे कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय, मतलब लीडर के पास गया, कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लीडर के पास। तहसीलदार मतलब ये थानेदार के पास गया। पहले उर्दू में कोतवाल बोलते हैं, एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासी पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। ये आदिवासी देखो किस तरह बैठे हुए हैं, और ये है हमारा बेस्टियन तहसीलदार। ठीक है, बेस्टियन स्वभाव से बहुत अखड़ और क्रूर था। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनने का काम शुरू होगा, 2 दिन में जंगल में सड़क बनने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह अंग्रेज सरकार का हुक्म है, उसने बताया। ठीक है, जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए। वे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछे तो किससे, कुछ करे तो क्या? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया, मतलब एकदम गुस्से से भर गया, तमतमा गया। क्या मिलेगा तुम्हें? What do you want? हुक्म बजाना नौकर का काम है, मतलब हुक्म का पालन करना नौकर का काम है। आगे से यह सवाल मत पूछना, तहसीलदार ने बोला। आदिवासी सहम गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था।
वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। अब किसी को बिना पैसे दिए आप बुलाओगे, काम कराओगे, तो भाई सबको तो दिक्कत होगा है ना, कोई फोकट में काम क्यों करे। ठीक है, उन्हीं दिनों एक साधु जंगल में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूड़ी, अल्लूड़ी श्री राम राजू। क्या नाम था? अल्लूड़ी श्री राम राजू। श्री राम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, हाई स्कूल मतलब 12वीं तक। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर वह 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गया। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया, मतलब घुल मिल गया। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाए, और उसे लोग अपने अपने हाल बताते और पूछते कि हम कैसे अपने कष्टों दुखों से छुटकारा पाए। ठीक है, तो ये देखो फोटो में किस तरह श्री राम राजू बैठे हुए हैं और सबको बता रहे हैं और सब पूछ रहे हैं बता बता कर। ठीक है, श्री राम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए, तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। हम काम पर नहीं जाएंगे, समझे? उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। श्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम गांधी जी है। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करे तो हम अन्याय सहने से इनकार करें। कोई ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कोई डंडे से मार रहा है तो उसका हाथ तोड़ डालो, नहीं तो तुम बांस उठाकर मारो उनको, बम्बू। तो ये डायलॉग्स होते हैं बोलने के लिए। कोई ईंट चलाए तो तुम पत्थर चलाओ, तुम थोड़ा सा फोड़ोगे हम पूरा फोड़ देंगे। कोई एक चाटा मारे उसको मारते मारते मतलब फिर मुंह फुला दो। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नारा था उस समय। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा। और मतलब भोले भाले आदिवासियों के मन में जो भरा था अपमान, दुख और क्रोध, सब फूट कर निकला। भद्राचलम से परवर्थीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। सब लोग आगे लड़ने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के, देखो ये यहाँ पर तहसीलदार है, थानेदार, पुलिस वाला, अब सब लोग भड़क के एकदम आग, चाकू, छुरा, बंदूक सब लेके निकल पड़े। राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, और राज्यों से मतलब हेडक्वार्टर से सेना बुलानी पड़ी अंग्रेजों को। पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा ना पाई, और 2 साल तक लगातार विद्रोह हुआ, लेकिन पुलिस वाले दबा नहीं पाए। आदिवासी हैं, किधर जंगल में घुस जाएंगे, किस दलदल में घुसा देंगे, किसी को पता चलता था? जब संकरी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही थी, तो संकरी मतलब पतले गलियों से जब सेना की टुकड़ी जा रही थी, जंगलों में छुपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते, और जैसे ही अंग्रेज जैसे ही आते, अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते और भारतीय सिपाही जो थे उन्हें गुजर जाने देते। लेकिन जैसे ही अंग्रेज सिपाही आते, बस निशाना लगाया, आदिवासी खूब अचूक निशाना मारते थे।
आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। और जब राजू का दल जाता था तो उस समय थानों की पुलिस भाग जाती थी थाना छोड़कर, इतना डर था। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका न होना पाए। मतलब एक अंग्रेजों से लड़ो लेकिन भारतीय सैनिकों का बाल बांका भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो एक भी सैनिक क्यों ना हो। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। जब वो पहाड़ों से कूच करता था, मतलब पहाड़ों से जब भारतीय सैनिक जाते थे मानो उन्हें किसी का भय ना हो। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे और थाने पर हमला करके, पुलिस चौकी पर हमला करके, और वहां के आदिवासी जितने भी उनके अस्त्र शस्त्र बंदूक डंडा लाठी सबको लूट लेते थे, लूट कर भाग जाते थे। अब भागने के बाद कोई पकड़ता है किधर गए। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानों कान खबर ना हो। यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। मतलब एक ऐसा जाल बनाकर रखा था राजू ने, कौन, श्रीराम राजू ने, कि जैसे ही अंग्रेज आते, अंग्रेजी सिपाही आती, उस पर हमला कर देते और कानों कान खबर नहीं होता, ऐसा संदेश पहुंचाया जाता एक कोने से दूसरे कोने तक। अब ये सब देखकर अंग्रेजों को भी दांते तले उंगली दबानी पड़ी, मतलब अपनी हार को मानना पड़ा। ठीक है, जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाकों में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी थी और जितने भी अंग्रेज के भारी भरकम सिपाही थे, भारी भरकम हथियार था, वो लेकर जब आते थे तो अंग्रेज डरने लगते थे। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। अब अंग्रेजों ने सोचा कि लड़ाई में तो हम जीतेंगे नहीं, अब इन्हें हम भूखे रखकर मारेंगे। अंदर जंगल के गांवों में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए और लोगों के पास जो बंदूकों के कारतूस थे वो खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्तार में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचे। राजू भी परेशान था, उसे उनका दुख देखा नहीं गया। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, देखो ये अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण राजू कर दिया है, ठीक है, श्रीराम राजू ने आत्मसमर्पण कर दिए हैं, कर दूं तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे
उसने देखा कि 2 वर्ष के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई थी और 2 सालों में हर कठिनाइयों का सामना करना अब लोगों के बस में नहीं था और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी और अंग्रेज सरकार तो भूखा मार के छोड़ेगी, इसलिए श्री राम राजू ने आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों को। ठीक है, यह सोचकर श्री राम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। सेना के मेजर गुलोड मंपा, सेना के मेजर का नाम था गुलोड मंपा। गांव में डेरा डालते हुए राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। अब भाई अपना लीडर अरेस्ट हो रहा है तो उसके लिए तो भीड़ लगेगा ही। ठीक है, मेजर गुलोड मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे वहां उम्मीद थी कि उनका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, पर गुलोड का कोई इरादा नहीं था पर गुलोड का ऐसा कोई इरादा नहीं था वो पेश करने वाला नहीं था। कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले, बस उसके इशारे पर एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया गया। और कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं और सिपाही ने गोली चलाई, किसके? गुलोड के इशारे पर गोली चलाई और राजू का काम तमाम, वहीं खत्म। राजू, श्री राम राजू, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह अल्लूरी श्री राम राजू अपने लोगों के खातिर शहीद हुए। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की थी। क्या की थी? मिसाल स्थापित की थी अन्याय के खिलाफ लड़ने का। और ये लिखने वाले हैं चकमक से लिखा गया था ये कविता। ठीक है, आदिवासी स्वतंत्रता संघर्ष कथा है ये। ठीक है, ये क्या है? आदिवासी स्वतंत्रता संघर्ष कथा। इसको लिखने वाले हैं चकमक से। नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इसे याद कर लो, पढ़ लो एक बार। ये पाठ से प्रश्न उत्तर देना है, क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो दिखेगा। ठीक है, गांधी जी की बात, देशभक्तों के नाम, क्या ठीक होगा, पता करो, तुम्हारे विचार से, बोझबीन, मुहावरे का एक बहुत अच्छा डिटेल्स से समझाने वाले हैं इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में, आप सब उसमें जरूर आना। समझ कर रूप बदलो। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए जोश, नए उमंग के साथ, एक नए कोशिश के साथ कि हम और मेहनत करें और कुछ अच्छा सीख पाएं। ठीक है, और कुछ अच्छा सीखने के लिए कोशिश करें और जिंदगी में एक बेहतर ढंग हासिल कर पाएं। तो आप सभी का इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।